اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में इंशाल्लाह ताला। तो जी व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ एप्पल बीटरूट जूस, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो माशाल्लाह आप इन्हें अपने घरों में बनाएं, पिए, और बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो मैंने तकरीबन लिए थे 2 से 3 सेब, उन्हें मैंने कटिंग कर लिया है। और मैंने लिए हैं तकरीबन 2 छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के चुकंदर, उनको भी मैंने पीसीस में कटिंग कर लिया है। और ये गाजर ली है मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब, मैंने गाजर ली है। तो उन्हें भी आप ऐसे अच्छी तरह से उनके छिलके रिमूव कर लें और गाजरों को छील लें, अच्छी तरह से धो लें। और यहाँ पर मैंने सारी ये चीज़ें लेनी है, और कुछ आपने लेमन लेने हैं, तकरीबन मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी ये मैंने यहाँ पर मशीन को रेडी रखा हुआ था, तो अब मैं इसमें एक एक करके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जूस बना रही हूँ, एक एक करके पहले गाजर वगैरह का जूस निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं चुकंदर डालूँगी, एप्पल डालूँगी। और बहुत ही मज़े का जूस होता है, यकीन करें कि बहुत ही मज़ा आता है पीने में, और माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। अपने बच्चों को पिलाएं, बूढ़ों को पिलाएं, तो अपने घर में ख़ुद भी पिएं, इसे खून भी बनता है और इंसान की हेल्थ वगैरह बिल्कुल ठीक रहती है। तो हमारी ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं, इनमें भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और तो ज़रूर बनाकर ये चीज़ पिएं, बहुत ही अच्छा रहता है ये जूस। और यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ लेमन, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने कम डालने तो कम डाल लें। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 लेमन मैंने स्क्वीज़ किए थे, तो मैंने डाल दिए हैं उसमें। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इन्हें डिस्पोजेबल गिलासों में डालूंगी, ये गैस ही मेरे पास पड़े हुए थे, तो सोचा कि चले मैं इसी में ही डाल लूँ, तो मैं इसी में ही डाल रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, और कितना अच्छा कलर, और कितना देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है पीने में भी बहुत मज़ेदार था ये। तो इसे ज़रूर बनाएं और अपने घरों में अपनी फैमिली को ज़रूर दें। सो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से उसको गिलासों में डाल लिया, मिक्स कर लिया, पैकिंग कर दी है। और यहाँ पर मैं कलरफुल से स्ट्रॉस लगा रही हूँ, और ये रेडी है। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छा बनता है, इसे ज़रूर पिए अपने घरों में, बार बार कह रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही अब आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी, ये एप्पल बीटरूट जूस कैसा लगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।